जय हिंद दोस्तों। दोस्तों कई भाई लोग उसे ये पूछ रहे हैं, सर हमारी जो पहली पेमेंट आती है यानी पहले महीने की पेमेंट आती है वो कितने रुपए हमें हमारे अकाउंट में वहां पे मिलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको टोटल यहां पे डिटेल से आपको बताऊंगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को क्या पता रहता है कि जो हमारी पेमेंट आती है, कई लोग केवल ये पता है कि हमारी जो पेमेंट मान लो 42,000, किसी की 42,000 आ रही है, या फिर किसी की मान लो 50,000 आ रही है, या फिर किसी की मान लो इससे ज्यादा भी आ रही है, किसी कम आ रही है। तो ये पेमेंट में इतना डिफरेंट वहां पे क्यों होता है ये भी हम लोग जानेंगे, यानी क्या क्या चीजें आपकी वहां पेमेंट में ऐड होती है जो टोटल आपका इतना पेमेंट वहां बनता है, और जो आपका पेमेंट होता है उसमें क्या क्या रुपए उसमें आपके कटने के बाद आपको पेमेंट वहां पे मिलती है, ये सारा कुछ मैं आपको डिटेल से यहाँ पे बताऊंगा। वही स्टार्ट करते आज की वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात क्या कर लेते हैं, स्टार्टिंग जो हमारा ये पे स्लिप है इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और स्टार्टिंग से आपको दिखाते हैं ऊपर से कि क्या क्या यहाँ पे दिया रहता है। दोस्तों जो हमारी ये पे स्लिप होती है, पे स्लिप के सबसे ऊपर साइड आप देखेगी ना कुछ यहाँ पे डिटेल आपकी यहाँ पे दी जाती है, और डिटेल क्या रहती है जैसे यहाँ पे जो सैन्य संख्या होती है यानी एम्प्लॉय आईडी की होती है। और पहले दोस्तों क्या होता था, जो हमारी पेमेंट स्लिप आती थी वहां पे क्या रहता था, यहाँ पे आपका आर्मी नंबर यहाँ पे लिखा रहता है, लेकिन अब क्या जो पे स्लिप आती वहां पे आर्मी नंबर ना लिख के आपका एम्प्लॉय आईडी वहां पे लिख के आता है। ये सारे जो ऊपर आपके पे स्लिप होते हैं उसमें केवल आपकी वहां पे डिटेल दी जाती है। और दोस्तों यहाँ मैंने कुछ ब्लैक कर रखे हैं सिक्योरिटी रीजन की वजह से। और इसके बाद क्या रहेगा, इसके आगे आप देख रहेंगे नाम दिखाएगा, यानी इसमें नाम किसका होता है, जिसके जो सोल्जर होता है उसका यहाँ पे नाम लिखा रहता है। और इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ग्रुप एवं श्रेणी यहाँ पे दी जाती है, यानी जो अगर आप जो मान लो सिपाही रैंक से भर्ती होते हैं तो आप यानी Y3 ग्रुप में यहाँ पे आते हैं। और इसके बाद क्या होता है, नीचे आपकी डिटेल क्या रहे, किस अकाउंट में आपकी जो पेमेंट है वो वहां पे क्रेडिट की जाती है। और दोस्तों उसके नीचे लिखा रहता है पहला ACP। दोस्तों जो आपकी ये फर्स्ट ACP होता है या सेकंड ACP होता है या थर्ड ACP होता है, ये आपको जब सैनिक वहां पे बनते हैं तो आपको ये ACP उस समय वहां पे नहीं दी जाती है जब आपकी सर्विस, ये कब दी जाती है, अगर आपकी सर्विस मान चलने की 5 साल तक हो जाती है तो ये आपका फर्स्ट ACP मिलना स्टार्ट हो जाता है, या फिर जैसे जो नायक वहां पे बन जाते हैं। और उसके बाद ही आपको ये सेकेंड ACP आता है, अगर आपकी सर्विस वहां चलते हैं 12 साल के हो जाते हैं या फिर आप वहां पे हवलदार बन जाते हैं तो आपको ये सेकेंड ACP मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार आपका थर्ड ACP आता है, यानी कि जैसे जैसे आप प्रमोशन लेते जाते हैं ये ACP मिलना आपके स्टार्ट वहां पे हो जाती है। तो ये तो हो गया कुछ बेसिक डिटेल यहाँ पे, और इसके बाद कुछ डिटेल और जान लेते हैं जो स्टार्टिंग में ही आपके पेमेंट स्लिप में वहां पे दी जाती है। इसमें क्या क्या दिया जाता है ये भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पहले के ये तो लेवल हम लोग देख चुके हैं, यहाँ पे जो दिया जा रहा है यानी कि वेतन वृद्धि तिथि, क्योंकि ये तो सभी को पता होगा कि अगर आपका सिलेक्शन आर्मी में होता है तो आपकी पेमेंट होती है ये हर साल आपकी इंक्रीज वहां पे होती जाती है। अब यहाँ पे डिटेल दी जाएगी कि जो आपकी पेमेंट है ये अब अगले साल कब आपकी ये बढ़ेगी, यहाँ पे ये डिटेल दी जाती है, यानी इस महीने यानी मान चल हमेशा मान चलना की 1 जुलाई से जो आपकी पेमेंट होगी वो अगली महीने अगले जो महीने अगला साल आएगा 1 जुलाई के बाद जो आपकी पेमेंट आती है वो आपकी हमेशा आपके अकाउंट में बढ़ के आना स्टार्ट हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पे कुछ आपकी डिटेल दी जाती है, यानी कि आप भर्ती तिथि, भर्ती तिथि दोस्तों ये वो डेट होता है यहाँ पे कि जब आप अपने ARO में वहां पे गए होंगे फाइनल, जिससे कि आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, वहां पे आपके ARO में बुलाया गया होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका कंप्लीट हो जाता है और जिस डेट को आपको वहां से डिस्पैच किया जाता है वो डेट क्या होती है, भर्ती तिथि आपकी यहाँ पे होती है। और भर्ती तिथि वो नहीं ऐड की जाती है कि आप कब रैली भर्ती देखी गए थे, कब आपने रेस निकाला, कब आपने एग्जाम निकाला, वो उससे कोई मतलब नहीं होता है कि आप जब अपने ARO गए थे, जब ARO में आपका डिस्पैच हुआ था वो डेट यहाँ पे आपकी दिखाई देती है। और स्थायी रैंक तिथि दोस्तों क्या होती है, अब ये मान चलते हैं कि आपको डिस्पैच कर दिया गया आपके ARO से, तो आप अपने सेंटर में जिस दिन वहां पहुंचे होंगे, क्योंकि सेंटर में आप जब वहां पहुंचेंगे वहां आप रिकॉर्ड कर देंगे, वहां भी आपका बायोमेट्रिक हो जाता है सक्सेसफुली, तो वो क्या हो जाता है आपकी स्थायी रैंक तिथि हो जाती है, यानी वो उसकी भी डेट आपकी यहाँ पे दी जाती है। तो ये तो हो जाएगा आपका स्टार्टिंग का कुछ डिटेल। अब ये क्या ब्रांच क्या होता है, आपका अकाउंट कहाँ किस ब्रांच में खुला हुआ, वो उसका डिटेल यहाँ पे आपका ये दिया जाता है।
और इसके बाद कुछ डिटेल और हम लोग जान लेते हैं या ऊपर क्या कुछ बेसिक डिटेल और आपकी यहाँ पे दी जाती है, इसके बाद हम जानेंगे कि पेमेंट में हमें क्या क्या मिलता है। और यहाँ पे क्या रहता है, पैन नंबर आपका दिया जाएगा, जो भी आपका पैन अकाउंट नंबर होता है वो दिया जाता है, और यहाँ पे आपका स्टेशन दिया जाता है, ये सारा आपका जो बैंक अकाउंट होता है उससे रिलेटेड यहाँ पे होता है। ये तो इतना हो जाता है जहाँ पे आपके स्टार्टिंग फुल डिटेल आपकी वहां पे बताई जाती है। और दोस्तों इसके बाद हम लोग कुछ पॉइंट जानते हैं, अब नीचे आते हैं कि हमारा जो पेमेंट होता है पेमेंट में क्या क्या हमें ऐड मिलता है। दोस्तों जो आपका पेमेंट में क्या क्या ऐड होता है और क्या क्या आपका कटता है, कि जो जो आपको यहाँ पे मिलता है वो क्या किसमें आएगा, क्रेडिट में आएगा, वो किसमें आएगा आपका, क्रेडिट में आपका वहां पे आ जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं किस किस चीज का हमारे अकाउंट में जो पेमेंट वहां पे ऐड हो रहा है। सबसे पहले तो हम लोग ये यहाँ पे जानेंगे कि किस किस चीज का पेमेंट हमारा अकाउंट में क्रेडिट यहाँ पे हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले दे रहा है ओपनिंग बैलेंस। अगर आप मान लो स्टार्टिंग पहले महीने से आपकी पेमेंट स्टार्ट हो रही, तो आपका ओपनिंग जो बैलेंस होता है ये तो क्या रहता है, हमेशा आपका जीरो यहाँ पे दिखाएगा। और उसके बाद देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, 22,400 रुपए, ये क्या पेमेंट होती है दोस्तों, ये क्या होता है आपका बैंड वेतन होता है, ये क्या होता है आपका बैंड पे होता है। और दोस्तों जब भी आप सिपाही बनेंगे जो बैंड पे होता है ये मान लो बढ़ता भी है, बढ़ता हमेशा हर साल ये बढ़ता जाता है। जैसे कि मान चलते हैं कि अगर आप इस समय भर्ती होते हैं, जब आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, तो यह हो सकता है जो आपको ये बैंड पे हो ये थोड़ा आपका इंक्रीज यहाँ पे हो चुका हो, लेकिन अभी बैंड पे कितना मिल रहा है, 22,400 रुपए का आपका यहाँ पे बैंड पे आपका मिल रहा है। और इसके बाद देखो ये क्या दिया जा रहा है, 5,200 रुपए, ये किस चीज के हमारे दिए जा रहे हैं। तो उसे ये सारा कुछ मैं वो चीजें दिखा रहा हूँ जो सारा आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है और उसके बाद आपके बैंक खाते में ये सारा जमा होता है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि जो बैंड पे क्या होती है, बैंड बुक क्या बोलते हैं, ये एमएसपी क्या होता है, मिलिट्री सर्विस पेमेंट होती है, जो कि हर जवान को ये मिलता है। और जो एमएसपी होता है इसकी बढ़ाने की मांग भी यहाँ पे चल रही है, हो सकता है जब आपका सिलेक्शन हो तो आगे आपको ये एमएसपी भी ज्यादा आपको देखने को मिल जाए, लेकिन फिलहाल जो एमएसपी मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 5,200 रुपए मिल रहा है एक जवान को, ये एमएसपी वहां पे हो जाए इसकी बढ़ने की बात फिलहाल अभी चल रही है। और यहाँ पे एक पेमेंट दिया जा रहा है 1,800 रुपए, ये किस चीज का है, तो 1,800 रुपए किस चीज का हो जाता है, ये आपका होता है यहाँ पे जो परिवहन भत्ता, जो ये TPL दिया जा रहा है, यानी परिवहन भत्ता जो यहाँ पे दिया जा रहा है, ये 1,800 रुपए इसका यहाँ पे दिया जाता है। ये किस वजह से मिलता है, जब आप मान चलते हैं कि आप अपनी ट्रेनिंग वहां पे कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आपको अपने यूनिट वहां पहुंचना है, तो ये परिवहन भत्ता आपके अकाउंट में एक क्रेडिट होके आपको मिलता है। या फिर कभी भी आप मान लो आर्मी के काम से कहीं भी आपको भेजा जाता है तो उसका भी जो परिवहन भत्ता होगा यहीं पे आपको ऐड होके ये मिल जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं जो ये 4,998 रुपए, ये किस चीज का यहाँ पे मिलता है, ये क्या होता है, डीए क्या होता है, महंगाई भत्ता होता है, ये भी आपका हर साल बढ़ता रहता है। फिलहाल इस समय जो आपका डीए चल रहा है लगभग ये आपका पहुंच गया है 9,500 रुपए आपका डीए पहुंच गया। और जब ये पे स्लिप उस बंदे की है जब उसके पहले महीने की पेमेंट आई थी, तो वहां पे जो आपका डीए कितना मिल रहा था, 4,998 रुपए था, लेकिन इस समय क्या है पेमेंट जो आपका ये डीए बढ़ के लगभग 9,500 रुपए के आसपास ये आपका पहुंच चुका है। तो ये तो हम जान गए कि ये हमारा डीए भी हो गया, ये भी आपका हर साल ये आपका बढ़ता रहता है। इसीलिए होता है क्या, जो पुराने जवान हो जाते हैं उनकी पेमेंट भी काफी ज्यादा हो जाती है और जो नए जवान होते हैं उनकी पेमेंट थोड़ा वहां पे कम रहती है, ये आपकी पेमेंट हर साल आपकी बढ़ती रहती है। और इसके बाद ये जो आपका 90 रुपए दिया जा रहा है ये क्या हो जाता है, ये आपका PMHA हो जाता है। और इसके बाद जो ये आपका 738 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, ये क्या होता है, LRA होता है, यानी क्या होता है जो आपका राशन अलाउंस होता है, राशन अलाउंस आपको कितना मिलता है वहां पे, 738 रुपए आपको यहाँ पे राशन अलाउंस मिलता है। और दोस्तों ये जो आपका दिया जा रहा है 7,601, ये क्या होता है आपका रिक्रूटिंग यानी रिक्रूटिंग अलाउंस होता है, ये क्या होता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है,
ये भी आपका हमेशा बढ़ता जाता है, यानी कि कहीं भी ये आपका ज्यादा मिलेगा और कहीं भी ये आपका कम मिलेगा। जैसे कि हम मान चलते हैं कि आपकी पोस्टिंग किसी हाईल्टी एरिया में हो जाता है, तो वहां पे ये अलाउंस हो सकता है आपका ज्यादा हो जाए। जैसे कि अगर आपका जम्मू कश्मीर में वहां पोस्टिंग होती है तो ये आपका अलाउंस काफी हो जाएगा। कभी आपका ये लेह लद्दाख में पोस्टिंग हो जाती है, यहाँ पे जो ये 7,000 है, हो सकता है ये आपको केवल अलाउंस, यहाँ पे 22,000 रुपए केवल आपको अलाउंस मिलना स्टार्ट हो जाए। या फिर अगर आपकी पोस्टिंग कहीं मान लो पीस एरिया में हो जाता है, पीस एरिया मतलब जो से कि आपके जो सिटी होते हैं वहां पे पोस्टिंग हो जाता है, हो सकता है ये आपको अलाउंस ना भी मिले, ये भी हो सकता है, या फिर ये अलाउंस आपका काफी कम हो जाए। तो इसी वजह से होता है क्या, आपके हमेशा पेमेंट कोई फिक्स नहीं रहती कि हर महीने इतनी पेमेंट आएगी, और लेकिन हाँ ये रहता है कि आपकी पेमेंट हर साल आपकी वहां पे बढ़ती जाती है। और दोस्तों इसके बाद हम लोग और देखते हैं क्या दिया जा रहा है। यहाँ पे एक होता है एडजस्टमेंट होता है, यानी कोई अगर आप कट जाता है मान लो गलती से, तो एडजस्टमेंट के यहाँ पे इक्वल कर दिया जाता है। यानी कि जब हम ये सारा कुछ ऐड करते हैं तो हमारा कुल पेमेंट यहाँ पे कितना बन रहा है, वो बन रहा है 42,827 रुपए आपका टोटल पेमेंट यहाँ पे बन रहा है एक महीने का। और ये क्या है, जब आप जवान पहली महीने की पेमेंट है ये आपकी, यानी कि जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करके अपने कहीं पोस्टिंग लेते हो ये पेमेंट आपकी मिलना वहां पे स्टार्ट हो जाती है। और इसके बाद हम लोग जानते हैं कि क्या क्या चीजें होती है जिनकी पेमेंट आपकी वहां पे कटती है, कटने के बाद आपके अकाउंट में वहां पे क्रेडिट होती है, ये भी हम लोग जान लेते हैं। ये क्या होगा डेबिट, यानी किस चीज की पेमेंट हमारे अकाउंट में कटी उसके बाद हमारे अकाउंट में पैसा जमा हुआ है। दोस्तों ये क्या होता है, पहला क्या दिया जा रहा है यहाँ पे, जो दिया गया है फंड सब्सक्रिप्शन, यानी कि AFPP जो फंड सब्सक्रिप्शन होता है, इसका हमेशा हर जवान का ये 1,345 रुपए हमेशा कटता रहता है हर जवान का। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है, जो यहाँ पे दिया गया AFPP यानी फंड रिफंड, यानी जो फंड यहाँ रिफंड दिया जा रहा है, ये कितना कट रहा है 25 रुपए। दोस्तों ये जो अमाउंट होता है आप चाहे तो कम कटवा सकते हैं या फिर ज्यादा कटवा सकते हैं, मैं तो यही सजेशन करूंगा। ये तो अब क्या हो गया है, जो ये आप 25,000 कट के, ये फिलहाल आपका कितना कट रहा है 5,000 रुपए कट रहा है। लेकिन इसका फायदा यही रहता है कि आप जितना ज्यादा हो अपनी सेविंग वहां पे करिए, ये आपकी टोटल सेविंग ही होती। अगर आप मान चलो 5,000 जगह, मैं तो यही को सजेशन करूंगा अगर आपका मैनेज वहां पे हो सकता है तो कम से कम ये आप अपने अकाउंट से 7,000 से 10,000 के बीच में ये कटवाइए, क्योंकि आप जब भी रिटायरमेंट होंगे ना यही सारा जो पैसा होगा आपको वापस मिलेगा और इसमें आपको इंटरेस्ट के साथ वापस मिलेगा। अभी तक क्या होता था, जो जवान मान लो 25 रुपए कटवाता था और जो वो 17-18 साल सर्विस करके अपने घर आता था उसे कम से कम यहाँ पे 25 लाख रुपए तक का वहां पे मिलता था अमाउंट। तो लेकिन अगर आप ये अमाउंट बढ़ाते हैं और जब आप रिटायरमेंट होके आएंगे तो ये अमाउंट भी आपका उसी हिसाब से काफी ज्यादा हो जाएगा, उसी यानी कि आप यानी जब भी रिटायरमेंट होके अपने घर आएंगे तो उसके बाद भी आप अपना कोई काम वहां पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं तो सजेशन करूंगा इस अमाउंट को जितना हो सके आपको जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए उतना आपको कटवाना, यानी आपको अपनी सेविंग वहां पे करनी है। दोस्तों ये जब दोनों अमाउंट आपके यहाँ पे कट जाते हैं उसके बाद जो आपकी टोटल अकाउंट में प्रेम पेमेंट आई वो कितनी आई है 38,982 रुपए। पहले महीने की पेमेंट कितनी आ रही है आपकी 38,982 रुपए, पहले महीने की पेमेंट आपकी यहाँ पे आ जाती है। लेकिन टोटल पेमेंट हमारी बनी कितनी थी, वो बनी थी 42,827 मिली थी, लेकिन हमें मिला कितना मेरे अकाउंट में, वो मिला है 38,982, यानी कि ये दोनों अमाउंट हमारे जो हमारे पेमेंट टोटल बनी थी उससे ये हमारे कट गए हैं। और दोस्तों इसके बाद भी कुछ चीजें और होती हैं, ये भी आपको जानना हो जान सकते हैं। जैसे कुछ नीचे डिटेल आप देखेंगे ये भी दिया जाता है, जैसे यहाँ पे क्या दिया जा रहा है ACR, क्या लिखा हुआ ACR। दोस्तों ये ACR क्या होता है, जवान के लिए नहीं होता, ये आपको जो JCO रैंक हो जाते हैं, जब प्रमोशन लेते लेते JCO हो जाते हैं, यानी कि उनकी सर्विस कम से कम आज चलते हैं 20 साल या 22 साल हो जाती है, और वो वहाँ पे जो होते हैं सूबेदार होते हैं या नायक सूबेदार होते हैं, तब जो उनको क्या मिलना ACR मिलना स्टार्ट हो जाता है और उसकी डिटेल यहाँ पे दी जाती है। लेकिन जवान वाले में ये डिटेल वहाँ पे नहीं दी जाती है। और ऐसे इस आपका जो ये एडजस्टमेंट अकाउंट होता है, यानी कि कोई पेमेंट आप मान लो नहीं आ पाई है, लेट हो गई है, कहीं आप पोस्टिंग गए उसका अलाउंस आपको नहीं मिल पाया, उसका एडजस्टमेंट करके यहाँ पे आपको मिल जाता है। और यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, लोन दिया जा रहा है।
जैसे कि मान लो आप जो अपना अकाउंट में जो पैसा वहां पे जमा कर रहे थे, AGI में जो हम अपना पैसा वहां पे जमा कर रहे थे, अगर आप उसके हिसाब से कुछ लोन वहां पे ले लेते हैं अपने AGI वाले पैसे से जो हमने पैसा वहां पे जमा कर रहे थे, तो उसकी डिटेल आपके लोन वाली यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों ये सारा वही डिटेल होती है, यानी कि जो आप यहाँ पे अमाउंट लोन लेते हैं उसका डिटेल दिखाएगा, नहीं लेंगे तो कोई डिटेल यहाँ पे आपका नहीं दिखाई पड़ता है। ये सारी डिटेल जो आपकी होती है सारा कुछ यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो लिखा है डू सेकंड लिखा है डी ओ सेकंड लिखा है, यहाँ पे टोटल आपको ये भी दिया जाता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे हुई थी और वहां पे क्या क्या हमें अलाउंस मिल रहे थे, सारा कुछ आपको डिटेल यहाँ पे दिखने को मिल जाता है। और दोस्तों एक बार कई सारे बच्चों को ये भी डाउट होता है कि उनका जो एक्स पे और वाई पे में होता है, दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, कई बच्चे हमसे पूछ चुके हैं कि सर ये जो हमारा ग्रुप एक्स पे होता है ये हमारे में यहाँ पे ऐड क्यों नहीं हो रहा है। दोस्तों अगर आप आर्मी नर्सिंग से मान लो ग्रेड से भर्ती होते हैं तो इसमें क्या होता है, जब आप वहां पे ट्रेनिंग आपकी चल रही होती तो कुछ ट्रेडे आपकी ग्रुप एक्स में आती है और कुछ ट्रेडे आपकी वाई ग्रुप में आती है। वहां पे सारा कुछ आपको बता दिया जाता है कि कौन से ग्रुप है आपकी एक्स में आती है, कोई कौन से ग्रुप वाई में आती है, चाहे आप टेक्निकल से हो चाहे नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेड से भर्ती हो, वहां पे सारा कुछ बताया जाएगा। अगर आप ट्रेनिंग के दौरान आप अच्छा काम करते हैं, यानी कि आपकी जो नॉलेज है काफी अच्छी है, तो आपको वहां पे ग्रुप एक्स में भर्ती डाल दिया जाता है। और वैसे अगर जो बच्चे मान लो GD की तैयारी कर रहे हैं तो GD में दोस्तों ये मान चलना है कि GD में दो ट्रेडे होती हैं, एक तो हमारा जो होता है EME होता है, एक क्या हो जाता है EME, ये आपका किस में आता है, ये आपका ग्रुप एक्स में आता है। और ऐसे ही आपका जो सिग्नल वाला होता है, कौन सा होता है, सिग्नल ट्रेड आती है, सिग्नल वाले भी कैस में आते हैं, ग्रुप एक्स में आते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, आपका जो ग्रुप एक्स का भी पेमेंट यहाँ पे ऐड हो जाता है, नहीं तो जितने भी जवान होते हैं स्टार्टिंग में सारे वाई ग्रुप से ही भर्ती वहां पे होते हैं, लेकिन GD में अगर आप भर्ती होते हैं, अगर EME में चले जाते हैं या सिग्नल में चले जाते हैं तो आप ग्रुप एक्स में आ जाएंगे, उसका भी पेमेंट आपको एक्स्ट्रा वहां पे ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों ये तो हो जाती है हमारी पेमेंट स्लिप, यानी कि हमें किस किस चीज का पेमेंट मिलता है, यानी क्या क्या पेमेंट हमें मिला था जिसकी वजह से हमारा जो टोटल अमाउंट होता वो 42,827 रुपए आपका यहाँ पे हो जाता, जो आपका ये यहाँ पे दिया जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी बिल्कुल करते रहिएगा, पेमेंट बहुत है और कई सारे सुविधाएं भी आपको यहाँ पे मिलती है, यानी मेडिकल फैसिलिटी है, कैंटीन फैसिलिटी, सारा कुछ आपको मिलता है। बस कुछ दिनों का आपके पास टाइम होना चाहिए, यहाँ पे आप मेहनत कर लीजिए। सबसे पहले तो आपने रिटर्न एग्जाम की मेहनत कीजिए। तो जिन भाइयों को ये ना पता हो कि हमें तैयारी कहाँ से करनी है, तो दोस्तों जो ये स्क्रीन में व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है इस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, यहाँ मैं आपको प्रॉपर डिटेल्स बताऊंगी आप तैयारी क्या कर सकते हैं कि आपका 100% आपका रिटर्न एग्जाम वहां पे क्वालिफाई हो जाए। या फिर दोस्तों आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो NA वाला एप्लीकेशन है उसका मैंने लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया, आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा वहां पे लिंक भी आपको मिल जाएगा, उस एप्लीकेशन को मान लो डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे प्रॉपर आपको डिटेल मिल जाएगा बैच का, वहां मैंने कंप्लीट आपको बता रखा है कि कैसे आपको तैयारी करने की, आपका 100% वहां पे सिलेक्शन आपका हो जाए। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट अभी भी होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, उसका भी मैं आपको सोल्यूशन आपको बिल्कुल प्रोवाइड करा दूंगा। ओके दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।